गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को फिर से एक जबरदस्त वीडियो में। तो आप लोग के लिए फिर से जबरदस्त कंपनी का वैकेंसी लेके आ गए हैं। और ये कंपनी भाई नया नहीं है, बट पुराना ही ये कंपनी है। आप लोग को पहले भी इस कंपनी का वैकेंसी के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। बट इसमें क्या है कि रिक्वायरमेंट आता था, नहीं आता था, आता था 10 दिन, आता था 4 दिन, आता था 5 दिन, आता था क्लोज हो जाता था। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट आ गया है 200 कैंडिडेट का। अभी 200 कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट आ गया है। तो आप लोग इसका पहले पीछे का बैकग्राउंड आप लोग को दिखा देते हैं। आप लोग बैकग्राउंड आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि कहाँ का है। ये है रिलायंस कंपनी का। रिलायंस कंपनी, इसका लोकेशन है दबासपेट। दबासपेट में आप लोग देख सकते होंगे। ये आप लोग पीछे का बैकग्राउंड आप लोग देख रहे होंगे, कंपनी का व्यू कैसा है, क्या है। ये लोकेशन भी आप लोग पहले देखे होंगे। इस कंपनी में आप अभी हायरिंग स्टार्ट है। आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, आना चाहते होंगे। बहुत सारे भाई लोग मेरे पास मैसेज, कॉल मैसेज बहुत सारे कर रहे हैं। अभी वैकेंसी है क्या, है क्या, है क्या, बहुत सारे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। बस आपके लिए वैकेंसी लेके आ गए हैं। क्योंकि भाई वैकेंसी के बारे में बताना, इन्फॉर्मेशन करेक्ट देना, वो चीज़ मायने रखता है। तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी है, हायरिंग स्टार्ट है। आप लोग पहले लोकेशन देख लीजिए, कंपनी वगैरह आप लोग देख ही लिए होंगे कैसा क्या है जगह। और कंपनी का व्यू देख लीजिए कैसा क्या जगह है। आप लोग पहले भी वीडियो में देखे होंगे, लेकिन अभी हायरिंग स्टार्ट हो गया है। आप लोग जो भी भाई आना चाहते हैं, गांव से आना चाहते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख रहे होंगे तो पीछे में लड़के लोग भी इंटरव्यू कर रहे हैं। ये लोग पाँच इंटरव्यू करवाना है, इंटरव्यू करवा के ये लोग को कंपनी में ज्वाइनिंग दे देना है। और देखिए सभी फॉर्म वॉर्म फिलअप कर रहे हैं सभी लोग। और बाहर का आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे कैसा क्या जगह वगैरह कैसा है। और अभी रूम पे जाके इसके बारे में पूरा डिटेल वगैरह पूरा दे देंगे कैसा क्या जगह है, नहीं है। और अच्छा ही है, जो भी है अच्छा है। बट जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, सैलरी वगैरह क्या है, कैसे रहना खाना क्या है करना है, आप लोग को बताएंगे रूम पे जाके। अभी बस कंपनी का लोकेशन देख लो आप लोग कैसा जगह है। इसका ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका। अभी हम रूम पे जाके आप लोग को आपको डिटेल दे देते हैं। आप लोग प्लेस वगैरह पूरा देख लिए होंगे क्या है नहीं है। अभी रूम पे जाके उसके बाद पूरा फिर से एक बार डिटेल दे देते हैं, रहने के लिए खाने के लिए कैसा क्या सुविधा है आप लोग को बता देते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, रूम पे आ गए हैं। ये देखिए रूम, आप लोग देखे होंगे पहले वीडियो में आप लोग। ये है मेरा रूम, रूम लॉक है, रूम अच्छा है, रूम का कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं छत के ऊपर, आप लोग को कुछ डिटेल दे देते हैं फिर से। जो भी भाई इंटरेस्टेड होंगे, आना चाहते होंगे, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए अभी हम आ गए हैं छत के ऊपर। ये देखिए मेन हाईवे साइड है कंपनी। कंपनी यहाँ से रूम से कंपनी का डिस्टेंस समथिंग 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर पड़ेगा आपको जाने के लिए पैदल। वो देख रहे हैं पेट्रोल पंप, वो पेट्रोल पंप से आगे है। तो अभी आप लोग को हम स्टार्ट करते हैं डिटेल देने का, कोशिश करते हैं क्या है कंपनी वगैरह क्या है। तो सबसे पहले कंपनी का नेम हुआ रिलायंस कंपनी। इस कंपनी का लोकेशन है दबासपेटी, दबासपेट, दबासपेटी या दबासपेट जो भी बोलो, ठीक है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आप कहीं से भी आए, कौन सा भी स्टेट से, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, MP, कहीं से भी आप आए, आपको आने के लिए लोकेशन बता देते हैं कहाँ पर आना है आपको। KSRCT मजिस्टिक, जो भी भाई बेंगलोर में होंगे उनको पता होगा मजिस्टिक कहाँ पे है। KSRCT सबसे बड़ा, बेंगलोर का सबसे बड़ा बस स्टैंड मजिस्टिक बस स्टैंड है, कैंपे गोड़ा बोलते हैं सर। और वहीं पे आके वहाँ से आपको बस पकड़ना है दबासपेट के लिए। आज से आपको कॉल रिस्पॉन्स वगैरह पूरा सभी मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी वैकेंसी के बारे में डाल दिए हैं। वैकेंसी नहीं रहता है तो आपको इन्फॉर्मेशन डाल के क्लोज कर देते हैं कि वैकेंसी नहीं है। आज से आप लोग ट्राई कीजिए, जो भी भाई ट्राई किए होंगे पहले भी कॉल की, किसी का रिस्पांस नहीं मिला होगा, चाहे व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं मिला होगा, तो अभी से
आप लोग फिर से ट्राई कर लीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिलायंस कंपनी का हायरिंग स्टार्ट हो गया है और इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम 10th होना चाहिए, बस 10th पढ़ाई होना चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी है भाई, इंग्लिश पढ़ने के लिए एकदम आना ही चाहिए। इंग्लिश पढ़ने के लिए आता है तो आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया ज्वाइनिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बाद आपको एज लिमिट, आपको एज लिमिट बताते हैं। एज लिमिट आपको 18 साल से, इसमें हाईएस्टली 30 साल है, 30 साल तक 18 से 30 साल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 साल से 30 साल ये रिलायंस कंपनी के लिए है एज लिमिट की बात करें तो। और जैसे कि आप लोग आते हैं दूसरे स्टेट से तो आपको फैसिलिटी में बता देते हैं। फैसिलिटी में आपको स्टार्टिंग में आपको वेंडर के तरफ से आपको रूम प्रोवाइड करेंगे। रूम रेंट आपको 1000 से 1200 रहेगा रूम रेंट, जैसा भी रूम रहे। अगर अल्वेस्टर का रूम रहेगा तो उसका रेंट कुछ अलग होता है, बिल्डिंग वाला लेंगे तो कुछ अलग होता है। और एडवांस, अभी मेरा एक कंपनी में, एक जेप्टो वेयर हाउस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ लेके रूम का एडवांस के लेके, तो इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो भी भाई आए रूम एडवांस का क्या करना है, कैसे करना है। रूम रेंट आपको 1000 से 1200 रूम रेंट लगेगा ही लगेगा, मंथली रूम रेंट कटेगा, ओके। और एडवांस की बात करें तो जैसे कि आपको हम लोग स्टार्टिंग में सपोर्ट करेंगे तो उसका तो देना ही पड़ेगा। तो आपको अभी जैसे कि दूसरे जगह में, सभी जगह रूम बनाया हुआ नहीं ना है, सभी जगह खुद से ख़रीदना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए आप आते हैं, आप अच्छा से काम करते हैं, आपको रूम दे देंगे, रूम एडवांस आपको सैलरी आने के बाद जैसा रूम रहेगा, अगर 10,000 उसको एडवांस देंगे तो 5 आदमी रहिएगा तो 1 आदमी का 2,000 एडवांस कटेगा और रूम रेंट प्लस कटेगा 1,000। ये हो गया जैसा रूम रहेगा, जैसा बिल्डिंग वाला रहेगा तो उसका सपोज दैट हम 10,000 हम अपना पैकेट से लगा दिए 10,000 एडवांस, उसमें 5 लड़का लोग रह रहे हैं, 1 महीना अच्छा से काम किए तो सैलरी आने के बाद उनको रूम रेंट प्लस 1 आदमी का 2,000 एडवांस कट करेंगे, ओके। क्योंकि भाई अपना जेब से हम नहीं डाल सकते हैं भाई, उतना मेरे पास पैसा नहीं है। स्टार्टिंग में आते हैं तो उनको सपोर्ट कर देंगे, ओके। ये रूम का कंडीशन आपको बता दिए, जैसा रूम रहेगा वैसा रेंट देना है आपको और वैसा एडवांस रहेगा। 20,000 का रहेगा तो आपको समझ सकते हैं कितना होगा। अभी तो फिलहाल ज़्यादा हम उतना नहीं, नॉर्मल ही रिसर्च करते हैं कि मिनिमम 10,000 एडवांस वाला रूम मिल जाए तो वो बेटर रहता है। क्योंकि आप लोग भी आओगे तो कमाने के लिए आए, यहाँ पे अपना घर बसाने के लिए नहीं आया है। तो ये हो गया रूम का कुछ कंडीशन। और खाने पीने के लिए सभी कंपनी में, एक तो खाना तो बंद कर दिया हूँ, लेकिन इस कंपनी में, रिलायंस कंपनी में, यहाँ का कुछ माहौल देख के खाने पीने का थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा दूरी पर है, इसलिए हम व्यवस्था करने के लिए रेडी हैं, आप लोग को व्यवस्था करने के लिए सपोर्ट करेंगे। वो भी आप घर से आते हैं तो एक रूम में जैसे कि 5 लड़का लोग रुके तो 50% रेशन का, खाने पीने का सुविधा आप लोग 50% लेके आइएगा और 50% हम सपोर्ट कर देंगे। जैसे कि आप लोग गैस बर्तन वगैरह सभी लेते हैं, रेशन वगैरह, तो आप लोग अगर 5,000 का लीजिए चाहे 6,000 का लीजिए, उसमें से आधा हम सपोर्ट कर देंगे एक महीना के लिए, और आधा आपको खुद से डालना है। ये नहीं कि आपको रेशन ख़त्म हो गया तो बार बार फ़ोन कीजिएगा मेरे पास कि मेरा रेशन ख़त्म हो गया, ये नहीं कर, खा नहीं रहे हैं तो ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको आधा सपोर्ट कर देंगे, 50% हम सपोर्ट करेंगे, 50% आपको पैसा डालना पड़ेगा। आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, मेरा भी जिम्मेवारी रहेगा। ऐसा नहीं कि हम आपको खाने के लिए सुविधा कर दिए, बाद में आप चले जाए तो वो अच्छा बात नहीं है, इसलिए आपका भी जिम्मेवारी होना चाहिए। ये हो गया खाने पीने रहने का सुविधा। 4 से 5 दिन अच्छा से काम किए तब सपोर्ट करेंगे, वो भी 50%, ओके। जितना के लीजिए उसमें से 50% हम सपोर्ट कर देंगे। ये हो गया रहने खाने का सुविधा। रहने के लिए स्टार्टिंग में आपको रूम रेंट एडवांस कुछ भी नहीं देना है, सैलरी आने के बाद आपको सभी लेंगे, सैलरी आने के बाद रूम रेंट एडवांस सभी, रेशन वगैरह सभी देंगे, जो आपको प्रोवाइड करेंगे उसका डिडक्ट करेंगे, बस इतना ही जान लीजिए। आप लोग को पूरा प्रोसेस बता दिए, कैसे ज्वाइनिंग करना है, क्या करना है, सभी चीज़ आपको बता दिए। और आप लोग सोचते होंगे कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड को भी लेके आना चाहते हैं, चाहे हम लोग 4-5 लड़का लोग भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रूम का सपोर्ट किया जाएगा।
बट नेक्स्ट मंथ में आपको सैलरी से एडवांस प्लस रूम रेंट डिडक्ट किया जाएगा। जैसा रूम रहेगा वैसा रेंट देना है और जैसा रूम रहेगा वैसा एडवांस पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये हो गया। और सैलरी आपको बताते हैं, काम कीजिएगा तो सैलरी तो ज़रूरी है ना। तो सैलरी आपको 8 घंटा का आपको 16,000 है, ठीक है। 8 घंटा का 16,000 है, PAPSI कट करके 8 घंटा का 16,000 है। और जैसे कि बहुत सारे कंपनी में OT का डिमांड, अभी OT चलता है नहीं चलता है, क्या है नहीं है, तो OT का रेट आपको बता दे रहे हैं। OT का रेट है 130 से लेके 135, मतलब यही रहेगा, 130 से 135 रुपया OT रेट रहेगा। और अभी कंपनी में बहुत सारे कंपनी में बोलते हैं, कमेंट भी देखे हैं कि OT चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अभी जैसे कि अभी फेस्टिवल आने वाला है पूरा, अभी रक्षाबंधन से स्टार्ट हो रहा है, 15 अगस्त ये सब सभी आ रहा है, तो अभी सेल अभी स्टार्ट होने वाला है। तो OT का रेट बता दिए, OT का 1 आवर का 135। OT चल रहा है या नहीं चल रहा है? OT अभी फ़िलहाल अभी नहीं चल रहा है, मतलब जैसे सेल स्टार्ट होगा वैसे OT भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको काम रहेगा तो मिलेगा, OT मिलेगा तो 135 वैसे मिलेगा OT रेट है, और नहीं रहेगा तो नहीं OT मिलेगा, ठीक है। 8 घंटा का 16,000 है PAPSI कट करके। और कंपनी में खाने के लिए है या नहीं है? तो कंपनी में खाने के लिए नहीं है, आपको रूम से बना के लेके जाना है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, और रूम पे बनाने खाने का सुविधा आपको बता ही दिए कैसे क्या करना है। और जो भी भाई इंटरेस्टेड होंगे, जो भी भाई आना चाहते होंगे, मेरा नंबर आपको कमेंट में नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।